the strong orthopega and the strongest metadigitin group respectively. देखो orthopega digitin कौन से होते हैं, strongest orthopega digitin जो ग्रुप होते हैं, ठीक है, वो कौन से इफेक्ट को शो करते हैं, प्लस है, ठीक है, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट मेटापोजिशन होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट मेटापोजिशन, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट मेटा डायरेक्टिंग, वो कौन से इफेक्ट से आते हैं, माइनस एम के बेसिस पे, ठीक है। अब यदि हम लोग इसमें चेक कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली पूछा है, मतलब पहले आपको ये देखना है फिर ये देखना है, तो पहले नंबर पे यदि हम लोग देखें तो ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस एम, और ये लगाएगा प्लस एम, तो ये ऑप्शन तो हमारा स्टार्टिंग में गलत हो गया, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस एम और ये प्लस एम, तो ये वाला इफेक्ट भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। यदि आप इसमें देखोगे तो ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस एम, और ये लगाएगा माइनस एम, ठीक है, और डी ऑप्शन में भी ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस एम, और ये कौन सा लगाएगा, माइनस एम। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैक्सिमम गलती ये करते हैं या कंफ्यूजन उनको ये होता है कि दोनों माइनस एम है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट होगा वो किसमें होगा। यदि हम लोग यहाँ देखते हैं CONH2 में, तो CONH2 के केस में क्या होता है, यदि माइनस एम हम लोग देखें तो NO2 का ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, CONH2 के कंपैरिजन में, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग माइनस एम किसमें लग रहा है, NO2 में लग रहा है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस एम होगा। आपसे माइनस एम नहीं पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है, स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस एम पूछा गया है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस एम के केस में क्या होगा आंसर, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है।